बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दहूर। किचन विद दहूर में आप सबका बेहद खुश आमदीद है। आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। वीडियो को पसंद करते हैं, मुझे कॉमेंट्स करते हैं, जो नए आने वाले हैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब सर को वैसे नीचे दिए गए बेल आइकन बटन जरूर प्रेस किया करें, ताकि नए आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ज़्यादा जल्द पहुँच किया करें। अपने व्यूअर्स का कीमती वक्त ना लेते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी खसखास को धोने का आसान और बेहतरीन तरीका। ये मैंने पाव खसखास ली थी और ये मैंने एक मतलब कि बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें मैंने एक डिब्बा पानी का डाल दिया, ठीक है। और ठीक है, और इधर ये हमने जो हमें स्ट्रेन करने वाली छन्नी होती है ना, बारीक बिल्कुल बारीक वाली, वो ली है, ठीक है। वो भिगो के रखी हुई थी मैंने। अब हम इसको ज़रा इसको ये देखें, हमने करना क्या है, हमने इसको ये देखिए इसमें छन्नी में हमने स्ट्रेन करना वो पानी को। ये देखिए अभी आप देखिएगा, ये देखिए वो देखो जो मैल कुचैल जो गंदगी है ना खसखास की, ये देखिए हम एक से दो पानी इसी तरीके से इसे धोएंगे और इसे निचारेंगे। ये देखिए ये देखिए वो जो गंदगी है सारी आ गई ना, हमने फिर एक साइड पे इसको रख देना और फिर इस पानी को हमने बहा देना। इसी तरीके से वो जो थोड़ा सा पानी है जो इसमें थोड़ी सी रह गई है, ये देखिए फिर हमने यही बारीक बारीक छाननी लेनी है, स्ट्रेनर लेना है और इसको ऐसे करके ना जैसे आराम से आराम से, ताकि जो गंदगी वगैरह ना जो मट्टी या डस्ट वगैरह ना वो नीचे ही रहे, ठीक है। अब हमने इसको फिर ये जो बर्तन है इसको इसमें जो हमने जो डस्ट वगैरह वो फेंकेंगे, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा फिर हम इसको करेंगे, जो थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह रह जाएगी फिर निकल जाएगी, ये देखें, ठीक है। अभी इसमें ये देखें अभी इसमें डस्ट वगैरह है, अब हम इसे कुछ देर पड़ा रहने देंगे। पानी फिर डाला ताकि जो मैल को चार गंदगी है ना वो नीचे बैठ से, ये देखें थोड़ी देर से पड़ा रहने देंगे 5-10 मिनट। ये देखिए अभी बस 5-10 मिनट हो गए थे, फिर हमने उसको भगोया हुआ था, क्योंकि ये पानी में जो मतलब कि होती है ना जो मतलब डस्ट वगैरह, ठीक है, पानी मज़ीद डालने का मकसद यही है कि वो नीचे बैठ जाए, ठीक है, नीचे बैठ जाए, ऊपर से हमें साफ खसखास जो ना मिल गई। ये देखिए ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल साफ और बेहतरीन खसखास है। इसके बहुत से ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। बच्चों का दूध बनाने लगे हैं उसमें चुटकी डाल दें, ठीक है, उनके दिमाग के लिए नज़र के लिए बेहतरीन, ये छोटी सी चीज़ है बहुत बेहतरीन है, इसके जितने भी फ़ायदे बयान करें काम में। और ये है कि चाय बना जब चाय बनाते हैं उमूमन घर में, तो मौसम ये अब ठंड की तरफ आने लगा है, सर्दी सर्दी आने लगी है, ठीक है, नज़र ज़ुकाम से बचने के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे दानों में अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हुए हैं। तो इसको धोना ही बस ज़रा थोड़ी मुश्किल लगता है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने वो दो बर्तन ले लें, ठीक है, और जितनी खसखास है उससे डबल पानी, ठीक है, 5-10 मिनट पड़ा रहने दें। बाद में बारीक छाननी के साथ जो स्ट्रेनर होते हैं बारीक वाले, जिससे खसखास ना निकले, थोड़ी थोड़ी निकले डस्ट वगैरह जो, उसमें आपने निथार लेना और उसको धूप में रखें, ड्राई करें और डब्बे में रख लें, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे बेहतरीन वीडियो में। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।